नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी ये सब से रिलेटेड टॉपिक देखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं फुल मून डे में क्या ऐसा करें कि हनुमान जी खुश हो जाए और हमारे सारे विश को फुलफिल कर दे। तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, आज कितना अच्छा दिन है, फुल मून डे, 1 अगस्त मंगलवार, हनुमान जी का दिन। तो आपको क्या करना है, बस हनुमान जी से आपको प्रे करना है कि वो आपकी विश पूरी कर दे। तो आपको कौन कौन से तरीके कर सकते हैं मैं वो बताने वाली हूँ, जिससे कि हनुमान जी खुश होके आपकी सारे विश को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहला जो है तरीका, आप ये अपना सकते हैं कि आप जैसा जानते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्द ही हमारे संकट को दूर करते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हनुमान जी को याद करो और वो प्रॉब्लम तुरंत ही दूर हो जाता है। जैसा कि आप जान सकते हैं, हमारे चैनल पे एक वीडियो है बजरंग बाण, वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा भगवान को खुश करने के लिए। कहीं बहुत ज़्यादा संकट में फंसे हैं तो वो बजरंग बाण ज़रूर सुने। इससे क्या होगा, आपके वो कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। तो हम जो आज तरीका अपनाने वाले हैं, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी विश है उसको विजुअलाइज करना है और एडवांस में कि हमारी विश ये पूरी हो चुकी है, ऐसा कहते हुए भगवान को थैंक यू बोलना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। ठीक है, ऐसा करने से आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका है, आपको एक पेपर लेना है, उस पर रेड पेन से लिखना है ओम हनुमते नमः 3 times, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। फिर नीचे आपका नाम लिख देना है और आपकी साइन कर देनी है। साइन क्यों करना है, क्योंकि आप भगवान को क्लेम कर चुके हैं कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, ऐसा आपको एडवांस में क्लेम करना है भगवान को कि उस पर मेरा हक है, मेरी विश पूरी हो चुकी है, ऐसा। नेगेटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे नेगेटिव आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है, सच में आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और आप सच में भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं। ये करते हुए आपको 3 times ओम हनुमते नमः लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है और आप एक और तरीका चाहते हैं तो तीसरा तरीका ये है कि आपको 21 बार पेपर पे लिखना है बजरंग मैजिक बिगेन नाउ, बजरंग मैजिक बिगेन नाउ, ऐसा आपको 21 बार लिखना है और आपकी विश को लिखना है। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वो एफिर्मेशंस, मतलब कि मुझे 90% स्कोर करना है कोई भी एग्ज़ाम में, मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मेरे पास पैसों की कमी है पैसे आ जाए, या फिर कोई भी आपका, आप किसी को चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका लव, कोई भी कुछ भी विश हो सकती है आपकी, तो आप वो विश को लिखे और 21 times बजरंग मैजिक बिगेंस नाउ, बजरंग मैजिक बिगेंस नाउ, ऐसा लिखना है 21 times। ठीक है, फिर वो पेपर को आपको क्या करना है, जला देना है। ठीक है, और आपको पॉजिटिव माइंड से करना है, प्रेजेंट
में रह के कि हाँ मेरी विश पूरी हो चुकी है, ऐसा करते हुए भगवान को थैंक्स बोलते हुए ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको पेपर जला देना है और उसके जो राख है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुश मन से आपको वो उड़ा देना है, मीन्स कहीं खुली जगह पे आपको उसको फूंक मार के उड़ा देना है। ठीक है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, ये आपका जो है वो नेगेटिव सब दूर हो चुके हैं, ऐसा आपको मन में रखते हुए उस राख को फूंक मार के ब्लो कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके विश देखना कितने जल्दी पूरे हो जाएंगे। और आज तो फुल मून डे है तो विश फुलफिल करने का सबसे अच्छा दिन है। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें जय बजरंगबली। नमस्कार, धन्यवाद।